हेलो फ्रेंड्स, सो 10th क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया है लाइफ प्रोसेस। तो सो पिछले दो लेक्चर में हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी किया था। लास्ट लेक्चर में आपको हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया था। आज हम हेटरोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन है ये एनिमल में होती कैसे है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो हेटरोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होती है, आपको पता है, आपको बताया था भी, जो ऑर्गेनिज्म फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉफ, और प्रोसेस इज नोन एज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यहाँ पे हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के कुछ में जनरल जो स्टेप होते हैं, वैसे तो अमीबा के न्यूट्रिशन पढ़ेंगे उसमें भी बताऊंगा, ह्यूमन न्यूट्रिशन में भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, पर मैंने मैं तीन चार चीजें यहाँ पे लिख रहा हूं आपके लिए। फर्स्ट, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ये पांच स्टेप इनके अंदर ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। इजेशन, इजेशन होता है फूड को लेना, इनटेक ऑफ फूड इनटू बॉडी के अंदर फूड को लेना इंजेशन बोलते हैं। डाइजेशन, जो आपने फूड लिया है उसको ब्रेक डाउन करना, ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड इनटू सिंपल, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में ब्रेक डाउन इसको करना, इसको क्या बोलते हैं, डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन, जब वो फूड यहां पे इन्होंने क्या, जो एंजाइम है, अलग अलग जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, फूड क्या हुआ, डाइजेस्ट हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, तो उसको क्या है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग जो उनके प्रोसेसिंग सिस्टम होते हैं उनके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और आगे जो नेक्स्ट ऑर्गन होता है उसके अंदर भेजा जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन के बाद जो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब कर लिया गया उसको ब्लड के थ्रू या सर्कुलेटरी सिस्टम जो भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है उसके थ्रू पूरी बॉडी के अंदर उसको भेजना, उसको क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। देन नेक्स्ट स्टेप इज इजेशन। इजेशन में स्टूडेंट्स क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड, हम जितना फूड खाते हैं सारा डाइजेस्ट नहीं होता, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है, उस प्रोसेस को इजेशन बोलते हैं। तो ये स्टेप इन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एनिमल्स होते हैं हेटरोट्रॉफ जो जल्दी होते हैं उनके अंदर ये प्रोसेस होते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड खाते हैं, प्रिपेयर्ड फूड खाते हैं। तो ये कुछ स्टेप आपको याद रखने हैं। तो अब हम न्यूट्रिशन इन अमीबा आज इस टॉपिक के अंदर कर रहे हैं, न्यूट्रिशन इन अमीबा, ये स्टेप इसके अंदर करेंगे, न्यूट्रिशन अमीबा। आपने, आपको पता है जो अमीबा होता है एक सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफ से होता है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। तो इसमें वही स्टेप होंगे, कौन सा, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ये पांच स्टेप इसके अंदर होंगे। तो अमीबा में क्या होता है, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, आप सभी ने इसका स्ट्रक्चर बहुत बार देखा हुआ डायग्राम इसका। अमीबा की तरफ जब भी कोई फूड मॉलिक्यूल आता है, जब भी ये फूड मॉलिक्यूल को लेता है, तो ये क्या करता है, स्यूडोपोडिया फॉर्म कर लेता है, क्या फॉर्म कर लेता है, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया क्या होते हैं, फॉल्स फीट या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये अपनी बॉडी के बाहर फॉर्म कर लेता है कोई भी फूड मॉलिक्यूल, जैसे मैं सिंपल यहां बना रहा हूं। अब क्या है, यहां कोई फूड मॉलिक्यूल है तो अमीबा क्या करेगा, एक इस प्रकार से फूड वैक्यूल में फूड को लेने के लिए ये एक फॉल्स माउथ यहां पे, फॉल्स जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है यहां पे फॉर्म कर लेता है,
और वो देन उसको क्या करता है, फूड मॉलिक्यूल को इनटेक अपने अंदर कर लेता है। फूड मॉलिक्यूल कहां चला गया, अब मैं इस फूड मॉलिक्यूल को अलग बना देता हूं थोड़ा। ये फूड मॉलिक्यूल अमीबा की बॉडी के अंदर हमें चला गया, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप ये कौन सा है, ये फर्स्ट स्टेप है ई इंजेशन। कौन सा है, इंजेशन। यहाँ पे पाल्स, यहाँ पे फिट या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या माउथ यहाँ पे इसका बन रहा है, जिसके थ्रू इसने फूड फूड को इंजेस्ट कर लिया, इनटेक कर लिया अपनी बॉडी के अंदर। ये फर्स्ट स्टेप है इसके अंदर। फूड क्या है, फूड ये क्या है, फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल के अंदर फूड चला गया है। देन नेक्स्ट में क्या है, उसके बाद कौन सा प्रोसेस। अब क्या होता है, जब भी फूड अंदर जाएगा, जैसे ये अमीबा का वैक्यूल है, ये क्या हुआ इसके अंदर फूड। अब क्या होगा, अलग अलग एंजाइम इसके ऊपर आएंगे। यहां पे क्या शुरू होगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी। क्या होगी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी। एंजाइम फूड को ब्रेक डाउन करवाने के लिए, डाइजेस्ट करवाने के लिए यहाँ पे फूड वैक्यूल के अंदर आएंगे, यहाँ पे कुछ प्रेजेंट होते हैं। तो पूरी बॉडी से यहाँ पे एंजाइम इसके ऊपर, तो एंजाइम से क्या होगा, फूड क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। क्या होगा, डाइजेस्ट। ये दूसरा प्रोसेस क्या होगा, डाइजेशन। क्या होगा, डाइजेशन। फूड क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको बना लूं स्टेप को पूरा, तो इस प्रकार से बनेगा ये फूड वैक्यूल है, इसके अंदर डाइजेस्टेड फूड है, वो पूरे फूड वैक्यूल के अंदर इस प्रकार से फैल जाएगा। ये क्या है, डाइजेशन, डाइजेस्टेड फूड है इसके अंदर, और ये डाइजेशन है। देन जब डाइजेस्ट हो गया फूड, तो वैक्यूल क्या है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और पूरा जो फूड है वैक्यूल से बाहर की तरफ पूरी बॉडी के अंदर या बाहर की तरफ फूड एब्जॉर्ब किया जाएगा। फूड क्या होगा, फूड बाहर की तरफ एब्जॉर्ब किया जाएगा। इस प्रोसेस को नेक्स्ट को इसको क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। इसको इस प्रोसेस को बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। तो ये क्या है, एब्जॉर्प्शन, पूरी बॉडी की तरफ ये फूड बाहर की तरफ निकलना अलग अलग पार्ट में, और लास्ट में क्या होगा, पूरी बॉडी के अंदर ये अमीबा की ये बॉडी है, इसके अंदर ये पूरी के अंदर फूड फैल जाएगा। इसके जो सिस्टम होता है उसके थ्रू, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू क्या होगा, पूरी बॉडी के अंदर फूड फैल जाएगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। तो ये स्टेप है, फर्स्ट कौन सा, इंजेशन, सेकंड कौन सा है, डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन। एंड इंजेशन को मैं आउटपुट लिख देता हूं एक बार, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। एंड देन क्या होगा, अमीबा का जो अमीबा ऑर्गेनिज्म होगा, अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको अपनी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देगा कहीं से भी, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे इजेशन। क्या बोलेंगे, इजेशन। आप चाहे डायग्राम ये इस प्रकार से बना लेना, चाहे एक रो में बना लेना, चाहे आप 2-3 पॉइंट्स बना के, जैसे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस प्रकार से बना लेना, वो आपकी मर्जी, आप किसी प्रकार से इसको बना सकते हैं। तो अमीबा के अंदर क्या होता है, फूड जब फूड मॉलिक्यूल को लिया जाता है, तो यहाँ पे एक फास्ट सूडोपोडिया फॉर्म हो जाती है, उसके थ्रू फूड को इंटेक करवाया जाता है, बॉडी के अंदर चला जाता है, फूड वैक्यूल के अंदर फूड होता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फूड इंटेक का जो प्रोसेस होता है उसे इंजेशन बोलते हैं। देन उसके ऊपर एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, फूड डाइजेस्ट हो जाता है, उसे डाइजेशन बोलते हैं। डाइजेस्ट होने के बाद बॉडी के पार्ट के अंदर फूड एब्जॉर्ब किया जाएगा, एब्जॉर्ब होने के बाद पूरी बॉडी में फूड एसिमिलेट हो जाएगा, अलग अलग जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को, इसलिए फूड एसिमिलेट होता है। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन है। नेक्स्ट लेक्चर के हम नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या कहते हैं, ह्यूमन न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। स्टेप ये याद रखने हैं आपने, ये 5 स्टेप आपको बताएं, ये याद रखने ही रखने हैं आपने। इनकी डेफिनेशन भी, इजेशन क्या है, इंजेशन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, ये वो सारे आपने याद रखने। तो ये डायग्राम भी आपने बनाना है, और इसके स्टेप्स भी याद रखने। ओके गाइस, थैंक यू।